दोस्तों मैंने एक मच्छी पकड़ी और देखो भाई उसके दांत कितने पहने हैं ना। देखो ऊपर पास कर दिए है और हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ से आगे जाके सब है लोग और आगे नहीं है? इसका ना है? मतलब उबालते हैं कि क्या करते हैं इसको साफ करके दो। भाई आ चुके हैं, बोतलें खुल चुकी है, लंबाई है ये भाई, ये मच्छी पहले का मेरे नए ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों आज का बाद वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो मेरा नाम रोहित नेगी, मैं हूँ आपके अपने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव, मेरे गांव का नाम है बेड़ी, जहाँ से मैं उसी लोगों के लिए पहले ब्लॉग बनाता था। तो फिलहाल तो तबीयत कुछ ऐसी थी और ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और तो मेरी अभी जो लोकेशन है वो है मोहम्मदपुर साइड को, मैं आ रहा था भाई लोगों के कमरे पे और आज हमारा है कई नई जगह जाने का प्लान बन रहा है अभी घूमने के लिए पिकनिक में ऐसे ही, तो आपको दिखाऊंगा। और काफ़ी टाइम बाद वीडियो की शुरुआत भी हो रही है तो काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। तो मेरे को वैसे छुट्टी नहीं रहते तो हाँ छुट्टी है हमारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहे, दिखाता हूँ आप लोगों को और देखिए वीडियो को। तो आई होप कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो अभी जो सुबह के अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अब धूप है, देहरादून में इतनी ख़तरनाक धूप लग रही है ना क्या ही बताएं। तो आजकल चल रही है गेहूँ की कटाई और मौसम जो है काफ़ी बढ़िया हो रखा है। कहते हैं पुष्कर भाई लोगों के रूम पे और अभी हमारी तैयारी हो चुकी है पिकनिक जाने की। तो तो अभी सामान जमान पैक कर लिया पिकनिक के लिए। भाभी आप भी होना, तुम भी होना, तो फुल सपोर्ट के साथ अभी सामान सामान पैक हो चुका है हमारा। तो चलिए अभी हमारी हो चुकी, चल भाई बाबा, भाई बाबा खड़े तो चलते हैं अभी फटाफट से और आगे का व्यू कुछ हिसाब से। तो अभी अपनी राइड होने वाली है तैयार और चलो चलो फिर। और मॉल ऑफ द देहरादून धीरे चिकन शॉप की ओर बढ़ते हुए हलाल करने मुर्गा आ गया भाई अपना। तो दोस्तों अब ये हमारी तैयारी हो चुकी है आने की, गाड़ी तो ऊपर पार्क कर दी है और हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ से आगे जा सकते भाई लोग और आगे तस्वीर काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सीन है कुछ आगे किसी का लैंड गोल्ड भी इधर है ये मछली दुकान है, इस तालाब में थोड़ी छोटी मछलियाँ हैं, दिख रही होंगी या नहीं दिख रही होंगी आप लोगों को, थोड़ा सब पास व्यू जबरदस्त होने आ रहे हो। खोलते और पहली नदी पार करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार का सामना करना पड़ा, अभी पैर नहीं बिकना चाहिए बस, इतना मजा क्यों आ रहा है तुमने ओ हवा में। तो भाई घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह है, मुझे अभी तक बढ़िया लगा, तो अभी तो आगे का सीन मुझे भी नहीं पता क्या है। पिकनिक बनाने के लिए मस्त आ रहे हैं क्योंकि अपनी डेकोरेशन पे और यहाँ पर लगा है चूरा, क्योंकि बस बाहर उसका भाई
यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यहाँ पर एक चाकू खोल गए और चाकू की मिल रहा नहीं, चाकू की तलाश में। तो अभी कोई डहान पड़ा था से, बाकी लोग तो आए रखे सारे घूमने के लिए। सबसे पहले अपना बोरिया लकड़ियाँ और सामान सुमान बनाने के लिए खाने पीने का, तो एक तो मिल चुकी है मुझे। तो हो चुकी है हमारी कटिंग भी, स्टार्ट की है और यहाँ पर है तो नहाने का थोड़ा सा, और यहाँ पर बन रहा है हमारा खाना पीना मस्त तरीके से बिल्कुल। ये बन गई है चिकन की ग्रेवी और यहाँ पर रखी हमने क्या चावल। भाई अभी यहाँ पर लोग भी आ रखे, काफी अच्छा व्यू है यार, मच्छी पकड़ ले लोग यहाँ पे। फिलहाल के लिए गदरे में यहाँ पर मच्छी मारने की तैयारी चल रही है के है खाने पीने के लिए, और बाकी लोग भी लगे हैं सारे उस वाली साइड को। तो हमारा बन चुका है चिकन। तो अभी भाई आ चुके हैं, बोतलें खुल चुकी है खाने की तैयारी, और बन चुका है लवाबदार चिकन, और एक सेब भी हमारे साथ थे उसके भाई और फौजी साहब। तो ट्रैकिंग करने में और जो पिकनिक बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है अगर आपके साथ एक सेफ हो और एक यूनिटी बॉय हो। तो खाने पीने तो अभी लाए हम मच्छी मार के दिखाते हैं आप लोगों को, और वो ऐसी वैसी मच्छी नहीं है, कुछ स्पेशल वाली है, तो दिखाया जाए इसको। यो भाई ये हो मच्छी। अभी जाल डाल रखा नीचे और कुछ मच्छियां यहाँ पर रखी है हमने। ये गिरगिट है, गिरगिट नहीं, बाकी इस थैली में दिखाऊंगा आप लोगों को, बाकी इस थैली में है। चलो जी पहले मैं एक मच्छी, तो दोस्तों मैंने एक मच्छी पकड़ी और देखो भाई उसके दांत कितने पहने हैं ना, देखो हाँ देखो भाई इतने। और हरी भाई यहाँ पर मच्छियों के लिए चारा डाल रहे इस तरीके से है मच्छियों की संख्या। ये देखिए भाई लगभग इसकी जो लंबाई है ये है भाई, ये मच्छी पहली बार देखी मैंने आज। कांडे देखो भाई इसके मुंह में, इतने बड़े कांडे हैं। इस मच्छी के मुंह में देखो, क्या यहाँ पर
हाथ में जूते और सूरज देवता, बाकी लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। अभी हम भी चलते हैं और पिस्टल भाई पीछे से। भाई जी भाई देखो, अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया, शाम के 5 बज चुके हैं। अभी हमारी हो चुकी है यहाँ से जाने की तैयारी। बाकी जो यहाँ का जो व्यू है काफ़ी बढ़िया है, घूमने के लिए आप लोग आ सकते हो बिल्कुल मस्त तरीके से पिकनिक मनाने के लिए। तो यहाँ पर आंटी लोग साग निकाल रहे हैं मस्त के बिल्कुल। वहाँ पर अंकल आंटी लेके आ गए हैं साग बिल्कुल मस्त तरीके से के लिए तोड़ के, दलदल में घुस के। मैं देखा नहीं ना ये कभी। ये देखो, देखो जी चमोली चमोली में क्यों नहीं होता होता है, लेकिन हमारे इधर होता है पता पता नहीं रहता ना, पता नहीं नदी में होता है। हाँ मस्त बिल्कुल। करना ही है थोड़ा ये नहीं हा? इसका ना मतलब उबालते हैं कि क्या करते हैं इसको? उबालते हैं ऐसे साफ करके, धो के बारीक करके काट के, खूब तेल डाल के, मिर्ची डाल के बनाओ। अच्छा 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 अच्छा। चिकन में डाल के खाना है, चिकन खूब भून लो, उसके बाद इसको बारीक काट के डालो थोड़ी देर। टीम जाने को तैयार हो चुकी है, हमारी टीम भी इधर से, बाकी सारे लोग। कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया से बढ़िया है। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, पहाड़ जाने पहाड़ी लोगों को तो ऐसी पहाड़ अच्छा लगता है। हाँ मतलब पहाड़ पे वो घर पे कहाँ है आपका? नेपाल। नेपाल? हाँ हमारा नेपाल। अच्छा नेपाल जाते हो मतलब? हाँ जाते जाते रहते हो? पूरे परिवार वहाँ आते जाते रहते। अभी बेटी की शादी थी, पूरे परिवार आए थे। अच्छा 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 अच्छा। नौकरी करते हैं तो इधर भी है भाई ने गाड़ी नीचे लगा रखी ज्यादा। चलो तो अभी हम पहुंच चुके हैं मखमपुर। चलो फिर तो चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूँ रूम पे और अभी शाम के 4-5-6 बज चुके हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहा आज का जो एक्सपीरियंस था। तो आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नए व्लॉग पे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।